अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ उम्मीद है सब दोस्त खैरी से होंगे जी। पाक दुबई टूर में वेलकम। आज का व्लॉग जो है वो 4-5 दिन बाद बना रहे हैं। सबसे पहले तो सलाम है उन व्लॉगर्स को जो हर रोज़ वीडियो बनाते हैं। मैंने तो बहुत कोशिश की है हर रोज़ वीडियो बनाने की, लेकिन कोई ना कोई काम जो है ना वो निकल आता है। मौजूद है अपने पुराने डेरे पर, यहाँ पे हमने पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। यहाँ की पहले भी बहुत सी वीडियो हैं। पहले ये डेरा खूबसूरत था, अब वीरान हो चुका है। वीरानी की वजह फार्म है जी, फार्म पे अब ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं, यहाँ पे कम आते हैं। पहले था जब भी घर से आते थे तो इधर आते थे। इधर भी बहुत प्यारा माहौल है, सुकून करना एंजॉय करना हो तो आ सकते हैं इधर। गंदम जो है वो अब इधर की भी तैयार हो चुकी है। दूसरी साइड की जो गंदम थी वो हमने निकाल ली थी, उसी की वजह से 4-5 दिन ब्लॉग नहीं बनाए, मसरूफ़ थे। तो अब नंबर लगने वाला है इस गंदम का, ये भी 1-2 दिनों में कटाई शुरू करेंगे इसकी। शुरू में बात थी व्लॉग की कि हर रोज़ बनाने की, जो बहुत मुश्किल काम है। देखने में लगता है कि 2-4-5 मिनट की वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है वीडियो बनाने को, अपलोड करने को, एडिटिंग करने पे, ये सारी चीज़ों के बाद तब जाके जो है वो वीडियो 4-5 मिनट की जो है वो 4-5 घंटे लगते हैं, तब जाके वीडियो अपलोड होती है। तो जो रोज़ व्लॉग पे व्लॉग बनाते हैं, मेरा ख्याल है या तो वो कोई और काम नहीं करते, सिर्फ यूट्यूब का ही है उनको काम, या फिर जब कोई और काम करो तो फिर इसके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्लॉग बनाते तो हैं लेकिन टाइम बहुत लगता है। आपके लिए बनाते हैं तो लोग देख सकें सब दोस्त के हम क्या कर रहे हैं। व्लॉग्स बनाने का जो सही मज़ा तब आता है जब आप दोस्त जो है वो अच्छे कमेंट्स करते हैं, और कोई दोस्त किधर का कोई किधर का बातचीत होती है, तो तब जो है ना वो अच्छा लगता है। पैसे पैसे तो क्या ही कमाने और कब कमाने ये तो पता नहीं, असल में बस ये शुगल मेला है वो लगा रहे हैं। ये हमारे आमों के बाग हैं, अभी जो बूर लगना शुरू हुआ है इनको जी। तो हम आ चुके हैं अब फार्म पे। आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। सुबह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।